जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में जॉब नोटिफिकेशन में। जैसे कि मैं आपके लिए डेली वीडियोस लेके आते रहता हूँ जॉब के अकॉर्डिंग, और आज मैं आपके सामने वैकेंसी लेके आया हूँ जिंदल पावर में। दोस्तों यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें फ्रेशर एलिजिबल है, टू फाइनल ईयर वाले भी इसमें एलिजिबल है दोस्तों, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी इसमें जॉब है। सो आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं मैंने पूरी प्रोसीजर बताई है। इसमें परमानेंट जॉब रहेगी और आप ऑल इंडिया से इसमें एलिजिबल है दोस्तों, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट 2022 की फ्रेश रिक्रूटमेंट है दोस्तों, और आपको अगर अप्लाई करना होगा तो मैंने पूरी प्रोसीजर बताई है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में वीडियो देख लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो शुरू बिना किसी देरी के साथ। आप चलिए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम जिंदल स्टील पावर डॉट कॉम की इनके ऑफिशियल साइट पर आ गए। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, पर उससे पहले ध्यान दीजिए कौन सी वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई करना है, मैं फॉर्म भी फिलअप करके बताऊंगा। सो अच्छे से देखिए। सो आप जैसे कि देख सकते हैं पहली जो वैकेंसी है दोस्तों ये वाली, मैं अभी आपको दिखाऊँगा, जिंदल लीड मैनेजमेंट ट्रेनिंग, इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें BE, BTEC और जिनका प्लस गेट क्वालिफाई हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनका गेट क्वालिफाई हुआ है सो इसमें अप्लाई कर सकते हो। उनकी जो पोजीशन रहेगी वो मैनेजर लेवल की रहेंगी दोस्तों, सो आपको डायरेक्ट मैनेजर लेवल की पोजीशन मिलेगी। सो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनका BE, BTEC और गेट क्रैक हुआ है। और दोस्तों ऐसी बहुत सारी वैकेंसी है इसमें, आप जैसे कि देख सकते हैं डेटा एनालिसिस में ये वाली वैकेंसी है, इसमें दोस्तों CSIT वाले और BCA वाले, CSIT BCA वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, MCA BCA वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसी और देख सकते हैं वैकेंसीज इसमें बहुत हैं। और मैं एक बात बता दूँ, मेरे को ITI वाले का एक मेल आया था, उसको वैकेंसी चाहिए थी। सो यहाँ पर रोलर मैन और मील ऑपरेशन स्टील रोलर मीटर में इसमें ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। जिनके पास ITI वाले मतलब फ्रेंड्स होंगे तो आप उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना बहुत लोगों का फ़ायदा हो। बिकॉज़ हम जब तक दूसरों का अच्छा नहीं सोचेंगे तब तक अपना अच्छा नहीं होगा। अगर ये सोचेंगे कि मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ, मेरा दोस्त भी अप्लाई कर रहा है, यार कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, दोस्तों ये थिंकिंग रॉन्ग है। सो उसके नसीब में होगा तो मिल जाएगा, आपके नसीब में होगा तो मिल जाएगा। सो आप टेंशन मत लीजिए उस बात का। सो बता दीजिए जैसे कि, और चलो मैं वैकेंसी की तरफ आता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप बहुत सारे वैकेंसी देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाली वैकेंसी है दोस्तों, जावा प्रोग्रामर IT वाले, CSIT वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं इसमें फ्रेशर्स। और ये जो है सिविल प्रोजेक्ट, सिविल वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर। सो सिविल वालों के लिए इसमें मैनेजर है तो इसमें 4-5 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस चाहिए, सो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों ये आप मेरी जो मतलब बेस्ट वैकेंसी मैंने बताऊंगा वो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग। सो दोस्तों आप किसी भी कंपनी में जब आप लगते हैं ना, आपको डायरेक्ट कोई पोजीशन दी नहीं जाती, वो GET ही दी जाती है। सो इसमें सभी तरह के ब्रांच एलिजिबल है। सो ध्यान दीजिए, मैं फॉर्म फिलअप करते हुए आपको कौन सी मुश्किल आएंगी वो बता दे रहा हूँ दोस्तों। सो आपको एक जॉब पर मैं अप्लाई करके बताऊँगा। सो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल साइट है इनकी, और यहाँ पर उससे पहले आप ये ध्यान दीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने निकाली है और इसमें जो वैकेंसीज़ रहती है वो बहुत अच्छी रहती है। और दोस्तों ये कंपनी मतलब जानी मानी, इनको कोई नाम मतलब पहचान की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा इंट्रोडक्शन दिया नहीं है। सो आप इसको देख सकते हैं, अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर आपको, उस पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक कर देंगे आपके सामने फॉर्म उनका आ जाएगा जिसमें आपको क्या करना है। इसमें करंट ओपनिंग है दोस्तों, सो आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे सो डाल दीजिए दोस्तों, कौन सी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मेरा मैं इसमें दिखाऊंगा। हाँ और एक बात बता दूँ दोस्तों, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग डायरेक्ट इसमें एलिजिबल नहीं है डिप्लोमा वाले, पर अप्लाई ज़रूर कर दीजिए। अप्लाई करने में क्या चाह रहा है, अप्लाई कैसे करना है डिप्लोमा वाले का, इसमें पोजीशन ही नहीं है। तो यहाँ पर आप जैसे स्क्रोल डाउन करेंगे और यहाँ पर अदर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, अदर का ऑप्शन में जैसे आपको मिल जाएगा ना, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का डाल दीजिए दोस्तों। सो यहाँ पर वो डाल दीजिए, उसके बाद आपको अपना नाम, एज, क्वालिफिकेशन, ईमेल आईडी, एक्सपीरियंस में क्या डालना है दोस्तों, यहाँ पर एक्सपीरियंस में आपको डालना है फ्रेशर्स, यहाँ पर ऑप्शन है, आपको यहाँ पर फ्रेशर्स मिल जाएगा।
अगर आप होंगे तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं होगा तो डाल दीजिए, ग्रेजुएशन डाल दीजिए। इन्फॉर्मेशन मैं जो बता रहा हूँ दोस्तों वो करेक्ट फिल कर दीजिए। आपका अगर एक भी इन्फॉर्मेशन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त मैच नहीं होता है तब आपको ट्रबल में जा सकते हैं दोस्तों। सो रियल रियल इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। और दोस्तों मैं एक बात बता रहा हूँ, आप ना सिलेक्शन आपका रिज्यूम पर होगा, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग, तो भी शॉर्ट लिस्टिंग। सो मैंने हर वीडियो में जैसे कि बताता हूँ, आपने अगर 1000 एप्लीकेशन किए होंगे उसमें से 700 ना 700 तो AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सॉफ्टवेयर होता है उनका, मतलब उसके वर्क करता है। सो 700 तो CV तो वो खुद ही रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद 300 CV बचते होंगे, 300 में से भी 50 CVs रिजेक्ट हो, 50% रिजेक्ट हो जाते हैं बाय ह्यूमंस HR। और उसके बाद जो होते हैं 150 को शॉर्ट लिस्टिंग का मैसेज जाता है और उसमें से भी 20-30% ही सिलेक्ट होते हैं, और वो भी डिफरेंट पोजीशन के लिए, एक ही पोजीशन के लिए नहीं। सो ध्यान दीजिए अपने रिज्यूम पर, बिकॉज़ रिज्यूम आपका बहुत तगड़ा होना चाहिए। अगर किसी को रिज्यूम चाहिए होगा तो मैं उनको, मेरे को मेल कर दीजिए दोस्तों, मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मैं उनको भेज दूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता दोस्तों कुछ चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस है, किस किस ब्रांच के लिए बताऊँ। सो जिनको एफर्ट्स चाहिए वो कर सकते हैं मेल। और दोस्तों आपको किसके लिए, मतलब किस कौन सी आपकी ब्रांच के लिए आपको वैकेंसीज चाहिए, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। और दोस्तों चलो आपको बाद में बताता हूँ। सो ध्यान दीजिए इस पर, 12th के बोर्ड डालिए, 10th का बोर्ड, डिप्लोमा किया होगा तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आपका क्या है, डेजिग्नेशन में फ्रेशर्स डाल दीजिए दोस्तों यहाँ पर, और कॉन्टैक्ट में डाल दीजिए अपना एड्रेस वगैरह। और यहाँ पर उन्होंने बोला है ना रिज्यूम डाल दीजिए, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, आपका 99% आपके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं रिज्यूम के बेस पर ही, बिकॉज़ आपको क्वेश्चन भी रिज्यूम पर ही पूछे जाते हैं, आप जो सबमिट करते हैं उस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ध्यान से देखिए दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको क्या अप्लाई करना है दोस्तों, और दोस्तों जैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे सो आपको ना बहुत सारे मतलब जॉब वैकेंसीज जो मिल सकते हैं मेरे चैनल पर मिल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है। सो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लेके चलता हूँ। सो दोस्तों आप जैसे कि मैंने वो वैकेंसी बताई, सो इसके बारे में भी बता देता हूँ, ये मेरे टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और दोस्तों यहाँ पर मैं डेली वैकेंसी पोस्ट करती हूँ, आप जैसे कि देख सकते हैं कैप गेमिंग इंजीनियर ग्लोब एज की कंपनी हायरिंग कर रही है, BSc BCA डिप्लोमा साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स के बैच के 2021 क्राइटेरिया रखा है, फ्रेशर रखा है, CTC भी दिया है और अप्लाई लिंक भी दिया है दोस्तों। उसके पहले आप देख सकते हैं, उसके पहले मैंने यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप हायरिंग एसोसिएट डेटा साइंटिस्ट मतलब इसकी भी दिया है मैंने दोस्तों, मतलब अप्लाई लिंक आप देख सकते हैं, बहुत सारी मैं देते रहता हूँ इसमें अपडेट्स, तो यहाँ पर भी ज्वाइन कर दीजिए आप। और दोस्तों इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों करते रहिए आप ट्राई जॉब के लिए, और आपको जॉब का ट्राई करते रहिए कि आपको रिज्यूम बहुत अच्छा बनाना है दोस्तों। रिज्यूम इज़ मस्ट फॉर एनी जॉब, मतलब आपको रिज्यूम अच्छा होना, अट्रैक्टिव होना चाहिए दोस्तों, ट्राई करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।